हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा इंटरप्राइजेस। और दोस्तों मैं आपका दोस्त आशीष विश्वकर्मा जो आपके लिए दोस्तों बॉक्स लेके आता रहता हूँ। और आज भी एक बॉक्स लेके आया दोस्तों, ये देखिए हमारा एनटी डिजिटल का है जिसका मॉडल नंबर तो CSA044120। दोस्तों इसमें हमारा पावर का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि देखिए मैंने एडाप्टर लगा के रखा है लेकिन हमारा कोई भी, देखिए यहाँ पे कोई भी हमारा पावर नहीं आ रहा है। ये देखिए कोई भी लाइट नहीं चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसे भी वायर लगा के यहाँ पे देखिए हमने चेंजेस करके लगा था क्योंकि ये न्यू मॉडल है और ये ओल्ड मॉडल में पीला टू येलो टू येलो है, कोई भी लाइट नहीं आ रही है। तो दोस्तों एक कंडीशन में हम बॉक्स को पहले ओपन करेंगे, तो मैंने इसको खोल के रखा है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इसमें गंदगी है, देखिए दोस्तों मैं अभी आपको फिर से दिखा देता हूँ। यही बॉक्स है, देखिए बहुत ही हल्का लाइट जल रहा है लेकिन ये लाइट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखिए हमने इसे साफ किया है एक बार अच्छे से, और फिर से एक बार चेक करेंगे चालू होता है या नहीं होता है वो देखेंगे। तो दोस्तों देखिए अभी भी हमारा कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है, सेम प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके वोल्टेज के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए पहला हमारा 12 वोल्ट चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमें 12 वोल्ट क्लियर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से हमारा 12 वोल्ट से AIC से हमें 5 वोल्ट कन्वर्ट करके मिलता है, जैसे कि यहाँ पे चेक करेंगे, ये देखिए हमारा 5 वोल्ट भी क्लियर आ रहा है। फिर दोस्तों ये हमारा R4R7 जो हमारा कॉयल होता है जो हमें AIC से यहाँ आता है, तो उसे भी हम यहाँ पे चेक करेंगे 1.1, तो 1.1 भी हमारा क्लियर है, मतलब वोल्टेज ये भी क्लियर है। उसके बाद से दोस्तों हमारा डायरेक्ट यहाँ पे आता है 4R7 जो हमें 5 वोल्ट से 3.3 कन्वर्ट करके मिलता है, तो देखिए दोस्तों हमारा 3.3 भी क्लियर है। उसके बाद से दोस्तों हमारा ये रीसेट है जो हम 3.3 इनपुट से लेके दोस्तों आउटपुट भी हमारा 3.3 ही आना चाहिए, मतलब ये सब वोल्टेज क्लियर है। फिर यहाँ पे हम आएंगे दोस्तों, हमारा जो हमें 5 वोल्ट से दो ढाई वोल्ट लगाया जो हमें 3.7 कन्वर्ट करके देता है, उसके बाद से ये हमें 1.8 कन्वर्ट कर देता है, रेगुलेटर है यहाँ पे। तो देखिए हमारा ये सब, मतलब वोल्टेज के बारे में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें सबसे पहला क्या करना रहता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप लास्ट स्टेप पे जाके पहले CPU को लास्ट में पहले चेक कर लें, कभी भी ऐसा दोस्तों गलती ना करें। ये देखिए ये हल्का हल्का गर्म हो रहा है क्योंकि इसमें धूल मिट्टियाँ ज़्यादा हो गई थी इसके वजह से। तो सबसे पहले इसे हम वॉश करेंगे अच्छे से, यहाँ पे देखिए दोस्तों वॉश करने के लिए दोस्तों हमारे पास IP हो, कोई भी IP होना चाहिए, क्लीनर होना चाहिए जिससे हम वॉश करके अच्छे से साफ करो। जैसे कि अभी देखिए देखिए दोस्तों हमने अच्छे से इसे साफ कर दिया है, वो आपको दिखाया था यहाँ पे। फिर एक बार हम अच्छे से इसे CPU को साफ करेंगे, CPU के आजू बाजू जो गंदगियाँ होती है उसे भी हम साफ कर लेंगे। देखिए फिर हमारे पास एक IP होना चाहिए जो अभी तो मेरा ये दोस्तों सूख गया है, ठीक है, तो इसमें से थोड़ा सा ये निकलेगा तो इसे हम क्या करेंगे यहाँ पे रख लेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम इसे पेस्ट को यहाँ पे लगा देंगे जिससे ये हमारा CPU को रिवॉल्व कर देगा, और वहीं से पहले हीट हम गन मशीन से ब्लोअर से इसे हम अच्छे से वॉश करेंगे और हीट करेंगे। ये देखिए हमारे पास ब्लोअर मशीन है दोस्तों, हम इससे क्या करेंगे यहाँ पे अच्छे से वॉश करेंगे, इसे हीट कर देंगे। देखिए दोस्तों अच्छे से इसे वॉश करें और हीट करें, क्योंकि ये ज़्यादा हीट मारेंगे तो ये PCB इसके फूकने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। देखिए दोस्तों हमने इसे अच्छे से वॉश कर दिया है, और उसके बाद से वॉश करने के बावजूद भी दोस्तों हम इसे थोड़ा सा रिसोल्व करेंगे। ये जो साइड होता है दोस्तों ये साइड से अच्छे से रिसोल्व कर देंगे जिससे प्रॉब्लम आगे चल के ना आए कभी भी।
देखिए दोस्तों हमने अच्छे से इसे रिसोल्व कर दिया है और अभी हम चेक करेंगे इसे यहाँ पे लगा के। तो दोस्तों देखिए हमारा फाइनली लाइट भी आ गया है और वीडियो भी आ रहा है, तो चेक करेंगे हम एक बार।